हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज ऑसिलेटिंग विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। द सपोर्ट ऑफ द पेंडुलम स्टार्ट ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन विद अ स्मॉल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 10 टू द पावर -2। सो द रिलेटिव चेंज इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी, जे मेन 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। रिलेटिव चेंज इन एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज बेस्ट टू डिफाइन एज, देखो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव एसेलरेशन, राइट? सो कैन बी राइट इट डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू हाफ चेंज इन इफेक्टिव एसेलरेशन बाय इफेक्टिव एसेलरेशन, राइट? सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू हाफ। अब देखिए ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन कर रहा है, राइट? तो चेंज इन एसेलरेशन कितना हो जाएगा, ए ऑफ, बिकॉज एसेलरेशन की क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है ना, सो इट्स ओमेगा स्क्वायर ए माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, राइट, होल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एसेलरेशन कितना हो जाएगा जी, बिकॉज इट इज मूविंग अप एंड। यहाँ पे क्या है, पेंडुलम इस तरीके से रोटेट कर रहा है और वहां का जो सपोर्ट है वो धीरे 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 ऐसे एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, तो ऑसिलेटरी भी हो रहा है और उसका जो छोटा सा सपोर्ट है वो एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा में हमें कैलकुलेशन करनी है। सो दिस विल बी हाफ इंटू टू इंटू ओमेगा स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई जी, दैट इज 10, टू टू कट हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 इंटू 1/10, तो डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आ जाएगा 10 टू द पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। बच्चा जी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।